अगर आप लोग ये समझते आए हैं कि आपसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए गलती से या फिर कैसे भी, तो आपको 100% इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा या फिर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर 100% नहीं मिलते हैं। 100% से मेरा मतलब है, मान लीजिए आपकी गाड़ी का फ्रंट और रियर जो बम्पर है वो डैमेज है, उस कंडीशन में आपको सिर्फ फ्रंट बम्पर का क्लेम मिलता है, रियर वाले का नहीं मिलता है। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आपका स्वागत है DDS पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर रिलेटेड इश्यूज की। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये तो वैसे बहुत कॉमन सी बात है लेकिन इंक्लूड करना जरूरी है, लाइसेंस नहीं तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं, सीधी सी बात। और ऊपर से अगर आप किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके, यानी किसी ड्रग या फिर एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आकर बाइक चला रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं, तब भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ है एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग में देर करना। हर इंश्योरेंस कंपनी का एक टाइम फ्रेम होता है, किसी का 24 घंटे, किसी का 48 घंटे। तो उसके अनुसार आपने एक्सीडेंट होने के बाद रिपोर्ट करना है उस टाइम फ्रेम के अंदर। अगर आप नहीं करते हैं, काफ़ी दिनों के बाद आप रिपोर्ट करते हैं, तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो जब भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना है। एक टोल फ्री नंबर होता है हर किसी का, वहां पर जाके कॉल कीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके द्वारा जानबूझकर किए गए एक्सीडेंट्स को भी इंश्योरेंस कंपनी समझ जाती है कि ये फेक एक्सीडेंट है और आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो गाड़ी है कुछ अलग तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ होता है और आप प्रॉपरली उनको बता नहीं पाते कि इस वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है, तब भी चांसेस रहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दे या फिर पूरा 100% क्लेम आपको ना दें। अभी हाल फिलहाल में एक दोस्त के साथ हुआ था, उसका फ्रंट बम्पर और गाड़ी की जो रनिंग बोर्ड होता है राइट साइड का नीचे का और जो पीछे का बम्पर है वो डैमेज हुआ था। मतलब तीन डायरेक्शन में गाड़ी डैमेज हुई थी, तो उसको सिर्फ आगे फ्रंट बम्पर और नीचे के रनिंग बोर्ड का मिला और जो पीछे का बम्पर है उसका क्लेम नहीं मिला, क्योंकि वो स्टोरी जो होती है वो बैठा नहीं पाया आप कह सकते हो, या फिर प्रॉपरली बयान नहीं कर पाया कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, तीनों जगह से गाड़ी डैमेज कैसे हो गई। तो कहने का मतलब है आपकी जो कहानी है, जो आप बयां करते हैं कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो पूरी फिट बैठनी चाहिए गाड़ी के डैमेज के अकॉर्डिंग, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फेक स्टोरी बनाइए, आप प्रॉपरली समझाइए उन्हें। इंश्योरेंस जो आपका आता है आपकी गाड़ी को चेक करने के लिए, इंस्पेक्टर आता है, उसको आपने कहानी बिल्कुल सही और इस वे में बतानी है जिससे कि उसको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। कई लोग क्या करते हैं, अपने जो एक्सीडेंट्स होते हैं प्रेजेंट एक्सीडेंट में पुराने डैमेज को भी इंक्लूड करने की सोचते हैं, लेकिन अगर कहानी फिट नहीं बैठी तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, अगर आप अपने व्हीकल को बियॉन्ड द लिमिट यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे उसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी 1200 किलो है, आप 1400 किलो लेकर जा रहे हैं और उस कंडीशन में आपका एक्सीडेंट होता है, तो चांसेस यही रहते हैं मैक्सिमम, और किसी तरह से उनको पता चल जाता है कि गाड़ी ओवरलोडेड थी, तो आपको क्लेम नहीं मिलता है या फिर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और आपकी गाड़ी के जो स्टॉक पार्ट होते हैं उनका तो क्लेम मिल जाता है, लेकिन जो आपने एडिशनल एसेसरी लगाई हुई है वो आपको नहीं मिल पाती, क्योंकि आपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को बताया नहीं होता कि आप इतने पैसों की या फिर इतने हजार की, इतने लाख की एसेसरी आपने गाड़ी में लगाई है, आप उनको भी इंक्लूड कर लीजिए। उसी हिसाब से आपकी प्रीमियम थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन आप उसे इंक्लूड नहीं करते हैं, तो चांसेस ये रहते हैं एक्सीडेंट में कि वो एसेसरीज का पैसा आपको नहीं मिलता है, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो अगर आप अपनी गाड़ी में महंगी एसेसरीज लगवाते हैं तो उनको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करके इंक्लूड करवा लीजिए।
तो हर एक कंपनी की एक जियोग्राफिकल लिमिट होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने आपको बोला है या फिर आपकी पॉलिसी में मेंशन है कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर होने वाले एक्सीडेंट्स को कवर करेगी, और आप गए हैं किसी टूर पे या फिर आउट ऑफ इंडिया गए हैं, नेपाल गए हैं, भूटान गए हैं अपनी गाड़ी को लेकर, वहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो भी आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और काम चलाओ रिपेयर कर देते हैं अपनी गाड़ी में, तब भी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए, या फिर आप एक्सीडेंट होने के बाद भी गाड़ी को यूज़ करते हैं जिससे कि वियर एंड टीयर और ज़्यादा बढ़ जाता है, तब भी पॉसिबिलिटी रहती है कि इंश्योरेंस कंपनी आपका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट कर दे। तो पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना ज़रूरी है और उनसे राय ले लीजिए। अगर कहीं आप फंसे पड़े हैं तब आप अपने व्हीकल को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी 101% आपके इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। तो ये थे कुछ मेन रीज़न, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या फिर 100% नहीं मिलता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।